तो आज के सत्र में अपन तीसरे श्लोक पे ही आए हैं वैसे, और तीसरे श्लोक के पहले पैरा में अपन ने पूर्व प्रसंग में ब्रजराज जी के द्वारा करी गई टीका के अनुसार अपन ने गोपद के विभिन्न अर्थन को विचार किया, और वेद में लौकी कई वेदी कई ही किम में ब्रजराज जी ने एक पति भजन सु मोक्ष को एक प्रसंग रखे हो, तो कि भाई वेद में पति भजन सु भी मोक्ष बताया गया है। वहां को भी मैंने आप लोगों को खुलासा दियो तो कि वेद में जो पति भजन सु मोक्ष बताया हुआ है वो तो अन्य अर्थ में वहां पे विचार है, अपने यहाँ वह तरह का कोई चर्चा है नहीं। और बाकी मैंने विस्तृत चर्चा आपको वार्ता के उदाहरण से भी वाकू उदाहरण देके आपको स्पष्ट की हो, तो कि अपने यहाँ क्यों वेद में माने पति भजन सुमोक्ष को विचार अपने यहाँ नहीं किए होंगे, अपने यहाँ क्यों वो लागू नहीं पड़ेगी बात, लोगों के यहाँ लागू पड़ती होगी वो बात सच है। वैदिक होते हुए भी अपने यहाँ पति भजन सु मोक्ष में मोक्ष का सिद्धांत वेदोक्त होते हुए भी अपने यहाँ मान्य नहीं है, ये अपने मार्ग की विलक्षणता है। और अपने आप को फिर भी अपन वैदिक कहने से चूक नहीं रहे, ये एक बहुत क्रांति की बात है वैष्णव। अपन ने मैंने आपको गई बखत आपको बहुत लाइटली बताया तो, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ी एक क्रांति है, एक हाइक माने एक वाकू अपन कहने एक छलांग है कि वेद जा बात को सर्टिफाई कर रहे हो है कि वेद जब कह रहे हो कि पति भजन सु मोक्ष है, तो अपन वैदिक होते पे भी यह बात तो डिनाय कैसे कर सके कि वेद पति भजन सु मोक्ष अपने यहाँ नहीं है। अपन में ये कहने को भूता है कि होएगा वेद में पति भजन सु मोक्ष, लेकिन अपन पति शब्द की व्याख्या को ही बदल दे रहे हैं। वास्तव में अपन कह भी वही रहे कि पति भजन सु मोक्ष है, लेकिन पति कौन, पति कौन, या को तो विचार करना पड़ेगा वे पति कौन है। पति को विचार किए बिना पति भजन सु मोक्ष को सिद्धांत अपने यहाँ लागू नहीं पड़ सके, यानी अपन पाति इति पति ऐसी पति की व्याख्या करें, रक्षण करें वाको नाम पति, ये लौकिक संबंध में जो भी पति होवे है वाको अपन पति मानने तैयार नहीं। वेद शायद वह अर्थ सु कहते हो, और चीज भी बात है कारण कि वो अपना वैदिक संबंध है, वैदिक संबंध है, आजकल तो वो वैदिक संबंध भी नहीं रहे हो। आजकल की परिस्थिति में अपन देखें तो आज की स्थिति में जो पति बने हैं वाको तो वैदिक संबंध भी नहीं, खाली दैहिक संबंध रह रहा है, लौकिक दैहिक संबंध, क्योंकि जा तरह सो देव की फजीहत हो है विवाह आदि में, त्राही माम बोलता हूँ मैं देव हूं तो देव होने से इनकार करता हूँ कि भाई मुझको देव नहीं बनना, इतनी फजीहत हो है देव की है, वो एक अलग बात है। तो अपन किया बात को कहने वाले हते के मने अक्षणवताम फलम इदम न परम विदाम, मने इदमेव इंद्रिय वताम फलम मोक्षोपि नान्यथा, अपन यह बात को कह रहे हैं कि भाई अपनी इंद्रियन को जो विनियोग है वो वास्तव में इंद्रिय के पति को जाए, वो गोकुल है, गोकुल पति वाकु अपन कह रहे हैं। गोकुल पति को अर्थ मने यहाँ पे जो ये जो अर्थ लियो है गोकुलाधीश, वो एक्चुअली पति भजनी है, गोकुलाधीश मतलब पति। अब वह पति की व्याख्या वृजराज जी ने घुमा के करी के गोपद को अर्थ लो इंद्रिय, और इंद्रिय को जो कुल है वको गोकुल करो, और गो इंद्रियन के कुल को जो स्वामी है वो प्रभु है, वह अर्थ में अर्थ
प्रकटन करो तो वेद में पति भजन से मोक्ष को और तो सीधो सीधो या ढंग से जुड़ जाएगा। यहाँ में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी और अन्यथा अर्थ अपन ने कियो है ऐसा भी नहीं हो पाएगा। तो अपन बाकी युक्ति या तरह से अपन देना चाह रहे हैं कि यथा अंधकार नियता स्थिति ही नाक्षण पलम। भाई जैसे कोई को आंख वालो है और वह को अंधकार में खड़ो कर दिया जाए तो बाकी आंख क्या काम की। ऐसी सारी इंद्रियन के लिए अपन को कहना है कि आंख होए नाक होए कान होए मुख होए कोई भी इंद्रियन को यदि भगवत उपयोग या भगवत विनियोग नहीं भयो तो क्या काम की वो इंद्रियां। जैसे भ्रमसमन दीजिए हो भ्रमसमन लेकर के यदि भगवत सेवा में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है तो यथा अंधकार नियता स्थिति वाली बात हो गई बाकी। और यह बात को अपन कहें तो लोग समझने भी तैयार नहीं है कितनों भी समझा दो। एक एज के बाद मुझको ऐसा लगे अभी मैंने रिसेंटली यह बात को अनुभव वैष्णव की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बात अभी रिसेंटली कोई सो मेरी चर्चा हो रही थी और उनको मैंने बहुत समझाया तो मजे की बात यह है कि मान सब है माने सब किन्हीं ने जैसे अपनी बात तो एकदम तद्दन साची बात पर हमारा थी ना थी सके ऐसे बोलते हैं। अब जब करना ही नहीं है तो वैसे ही बोलेगा नहीं तो यथा अंधकार नियता स्थिति वाली बात हो गई ना कि आंख है तुम्हारे पास लेकिन वहां तुम यूज नहीं करना चाह रहे कान है तुम्हारे पास लेकिन वहां भगवत विनियोग नहीं करना चाह रहे पानी है तुम्हारे पास लेकिन भगवान के लिए वह विनियोग नहीं करना चाह रहे तो फिर यदि श्री गोकुलाधीशो धृता सर्वात्मना हृदय कैसे हो पाएगा। वो तो चतुर्श्लोकी का सिद्धांत लागू ही नहीं पड़ेगा ना। तो नाम मात्र के लिए मतलब ब्रह्मसमन जो लिए वाको विनियोग नहीं हो पाएगा वास्तव में। तो या लिए ये पक्ष अपन ने पिछली बार याको विचार कियो आज जा पक्ष को श्री ब्रजराज जी उठा रहे हैं वह पक्ष में वैष्णव यूं कहना चाह रहे हैं एक शंका उठा रहे हैं कि ननु भगवद प्राप्ति समय लौकिकेष्वेव संबंधा कामस्य च बलिष्ठत्वा। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं आप इन पंक्तियों को ध्यान दोगे तो पंक्तियां खुद बात करेंगी आपके साथ। ननु भगवत प्राप्ति समय जा बखत अपनी भगवत प्राप्ति को समय है जा बखत अपन सारी इंद्रियन को भगवत विनियोग करना चाह रहे हैं तो उन इंद्रियन को लौकिकेषु एव संबंधात्। अपनी इंद्रियां तो कोई अलौकिक नहीं हो गई हैं अपनी इंद्रियां लौकिक हैं अलौकिक नहीं है भाई। उन लौकिक इंद्रियन को लौकिक में संबंध है लौकिकेषु एव संबंधा और वह लौकिक संबंध को मूल का है तो कह रहे हैं काम पको मूल है लौकिकेषु एव संबंधात कामस्य च बलिष्ठत्वात्। वो बलिष्ठता वो जोर काम को है काम जोर पकड़ रहा है और वो काम जोर पकड़े है तो लौकिक में संबंध होवे और या के कारण ब्रजराज जी एक गजब की शंका उठा रहे हैं कि कदाचित तेषु मनस चलती तदा मां अपने मन चलायमान हो जाए। सच्ची बात है मन को कौन रोक सके। यानी ठाकुर जी या अर्जुन ठाकुर जी से यही तो बात कहवे के चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथी बलवद्रणम हवा को बस में कियो जा सके है लेकिन मन को नहीं बस वायु रेव सुदुष्कर। अर्जुन जैसे वायु को बस में कियो जा सके एक घड़ी लेकिन मन को बस में नहीं कियो जा सके मन बहुत चंचल है। लेकिन वाके लिए ठाकुर जी यही समाधान दे रहे हैं कि अभ्यास है तो कौन थे वाके लिए अभ्यास तो हे कौन थे वाके लिए तो अभ्यास करो मन को भी बस में कियो जा सके। तो
कदाचित मनस चलति, मन चलाए मन हो जाए कभी, तब ऐसी स्थिति में तत्कृतम वाक्य द्वारा कियो भयो जो भी कुछ कार्य है अकृतम वो नहीं किए जैसे हो जाए। ख्याल में आया नहीं किए जैसे हो जाए, मतलब आपको मतलब क्या कि होम करने गए और हाथ जल गए, ऐसी बात गुजराती में कहावत है ना यार रंगे, होम करने गए और हाथ जल गए, भाई काम तो अच्छे ही करने गए लेकिन तुम्हारो कृतम अकृतम हो गयो ना, मन चलाए मन हो गयो तुम्हारो, अब क्या करोगे वाके लिए। या लिए एक बात छोड़ो, ये सब बात आप उपदेश हमको रहने ही दो कि गोकुलाधीश को स्वामी है, वो गोकुलाधीश स्वामी है, ये बात है ना, हमको उपदेश मत दो, हमको लौकी कही से मतलब नहीं है लेकिन वैदिक कही से मतलब है। एक घड़ी आप हमको ये उपदेश मत दो कि भाई ये तुम्हारो गोकुलाधीश तुम्हारो पति है और वाकु तुम यो कह रहे हो कि वेदानुसार पति भजने न मोक्ष है, वासुपति भजन सु मोक्ष, तो ऐसा अर्थ घटन कर लो तो वो पंक्ति लग जाएगी। तो हमको बेवकूफ मत बनाओ, कृतम अकृतम भव वाक्य को कियो भी उसे वेस्टेज हो जाए है। ततो या लिए वेदानुसारे नहीं वह करणम उचित, भाई वेद के अनुसार ही कर हम, या मैं और कोई दलील देनो नहीं चाह रहे हैं, वेदानुसारे नहीं वह करणम उचित तरम, वो उचित तर तो बात वही है, प्रेफरेबल बात वो है, वहां में तुम अपने अर्थघटन अपने मनसु कर दे रहे हो क्या क्या युक्ति लगा के, ठीक है ऐसा मत करो। तो इति चे ऐसा होने पे ना पाठ, ये पूरी शंका जो उठाई है वाकु ना बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, बात समझो बात, भगवान निवेशित मनसाम, भगवान में जो निवेशित मन है, भगवान में जो लगो भयो मन, नितराम ने निवेश जो शब्द है ना अच्छी तरह से घुसो भयो, भगवान निवेशित मनसाम सर्वथा अन्यत्र कामो न संभवती, देखो भगवान में मन है, वाको मन जो वाक्य लिए सर्वथा अन्यत्र काम संभव ही नहीं, भाई कहां से ले आए ये बात, भाई कहीं सुलाए नहीं, ये 26वां अध्याय और चवो दशम स्कंद को 22वां अध्याय देखो, चीरहरण वाला अध्याय, चीरहरण वाले अध्याय में ठाकुर जी, जब ठाकुर जी ने ब्रज गोपी कान के चीर हरे, और जब चीर हरे वाक्य बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी से ये बात कही कि हे परीक्षित, कृष्ण ने कुमारी अंशु छल भरी बातें करी, उनको लज्जा संकोच सब छुड़ायो और यहां तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी जो है ना वो अंशु नाराज नहीं भई, ठाकुर जी से नाराज नहीं भई, उनकी चेष्टान को उनमें दोष नहीं निकाले उनने, बल्कि प्रियतम के संग से वो और भी प्रसन्न हो गए कि हमको हमारे संग तो है, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे हम जमाने से दूर जा बैठे दो घड़ी वो जो पास आ बैठे हम जमाने से दूर जा बैठे, तो वो दो घड़ी को कमाल है कि वो साथ में हो। तो एक मुझको एक और शेर याद आ रहा, मेरा बहुत ही पसंदीदा शेर है, तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफर ही असली हनार,
तो जो साथ अपन हाथ में हाथ डाल के जो चल रहे हैं वही स्वर्ग है भाई। असल हयात, हयात मतलब स्वर्ग, असल हयात मतलब वास्तव में स्वर्ग तो वही है। मेरे हर कदम पे है मंजिल, मेरे हर कदम पे मुझको मंजिल मिल जा रही है, तेरा प्यार घर मेरे साथ। तो वो वाली बात है, देखो चिरहरण वाली बात भी ये कह रहे हैं कि क्यों प्रसन्न भाई। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को कारण बता रहे हैं कि हे परीक्षित, गोपियन ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु कृष्ण ने उनके चित्त को या तरह सुवश में कर रखे हो, तो एक पग भी चल नहीं सके, इवन वन स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाए। और प्रियतम के समागम के लिए एक टक निहारती रही ठाकुर जी को, बस देखते रहे, लजीली चितवन से उनको निहारती रही। मैंने अपने यहाँ यमुना जी को बहुत सुंदर, यमुना जी के 41 पद में कुम्मन दास जी को पद है, आपको याद होगी तो, कि नैन कबहू ना अघाऊं, अभी वो क्लियर नहीं आ रहा अभी पहली लाइन, कोई कोई याद हो तो बताइए। कुम्मन दास नैन भर देखूं कबहू ना अघाऊं, ऐसे कुछ कुम्मन दास जी कह रहे हैं कि मैं सदा आपको देखती देखतो रहूं यमुना जी, और आपको देखने के कारण मैं कभी अघा नहीं जाऊं। अघाने मतलब अघानो, अघानो मतलब समझो ना आप लोग, एकदम ऊब जा, ऊब जाने का, मैं कभी आपको देख देख के ऊब नहीं जाऊं। निरंतर अपन कोई चीज को देखते रहे, कोई अपने संग रहे तो आदमी डेफिनेटली ऊब जाए। जैसे एक बात समझो कि लौकिक के सारे संबंध ऐसे ही हुए हैं कि जैसे छिल, वैसे गन्ना के जो टूक को है वहां में रस भरो पे हो है, लेकिन जा वक्त अपन रस को चबा के चूस ले में है, फिर वही गन्ना को चूसो भयो जो छिलका है वो महान बुरो लगे, अपन को थूक देने की इच्छा हो कि भाई थूको कोई तरह। तो ये संबंध सारे ऐसे ही हुए हैं, लेकिन अलौकिक में प्रभु संबंध को जो रस है वो ऐसा रस है कि अपन वकू पीते रहे तो भी अपन आठा में नहीं में। तो भगवान ने ये बात वहां देखी कि ठाकुर जी के चरण कमल के स्पर्श की कामना को ही व्रत उनने धारण कर रखे हो है। तो भगवान ने उनसे ये बात कही गोपी अंशु, कि हे मेरी प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा ये संकल्प जानू कि तुम मेरी पूजा करना चाह रही हो, लेकिन जिनने अपना मन और अपना प्राण मुझको समर्पित कर रखे हो है, उनकी जो कामनाएं हैं ना ये प्रभु के वचन, अब लाओ वेदे पति भजने न मोक्ष को काट, अब लाओ, अब साक्षात प्रभु के वचन से काट दियो ब्रजराज जी ने, आप कौन सा वचन लाओगे। ठाकुर जी के वचन कोट कर दिए ब्रजराज जी ने कि जिनने अपना मन और प्राण को समर्पित कर रखे हुए है, उनकी कामनाएं जो है ना उनको सांसारिक भोग की तरफ जो है ले जाने में समर्थ नहीं हुए हैं। ठीक ऐसे ही जैसे भुनो भयो या उबालो भयो जो बीज है फिर सो आपको अंकुरण नहीं। व्हाट अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल, कितना सुंदर उदाहरण दिया है ठाकुर जी ने। सच्ची बात है, अपन को ये उदाहरण सुने तो एकदम चारों खाने चित्त हो जाए कि नहीं नहीं बात सही है एकदम, या मैं आप कुछ विचार करने जैसा है ही नहीं। तो ये बात अपन ने या मैं देखी वहां में, न मैया वेशीत धिया, मैंने ब्रज कुमारी का काम पूर्ण पारिजात चरणे न श्री नंद कुमारेण उत्तम, एवका लगा के कह रहे हैं। देखो ये जो
ब्रजराज कुमारी कान के काम को पूर्ण करने में जो पारिजात रूप है, पारिजात मतलब स्वर्ग के पांच वृक्ष हैं, वो पांच वृक्ष में से एक वृक्ष पारिजात है, और पारिजात जो है वह को कल्प वृक्ष भी कहा जाए, वस्तु जो मांगो वो मिले। तो पारिजात की, आप लोगों को पारिजात के बारे में पता है क्या? नहीं, पारिजात के जो भी वृक्ष फलों वो फूलों में ना उनको तोड़ो नहीं जाए, जो गिरा वहां को चुनो जाए, और वो एकमात्र ऐसा पेड़ है जहां में जाके फल बीज नहीं और जाके कलम नहीं हो, मैंने जाको अपन वहां को बीज के द्वारा रोपण नहीं होगा, कलम से रोपण हो ऐसो। और ये पारिजात को जो भी वृक्ष है ठाकुर जी स्वर्ग से लाए थे, रुक्मिणी जी को बहुत पसंद है, और या को हार सिंगार को वृक्ष भी बोलो जाए पारिजात को, और रात को ही ये खिले है और दिन में मुरझा जाए, या तरह की ये पारिजात की अपनी अलग एक विशेषता है, ये ठाकुर जी के कारण धरती पे आए हुए ये वृक्ष, नहीं तो स्वर्ग को वृक्ष है ये पारिजात। तो वो कल्प वृक्ष है, तो कुमारी कान के काम को पूर्ण करने में प्रभु पारिजात रूप, पारिजात रूप जो नंद कुमार है उन्हें ही यह बात कही है कि न मैया आवेशित धियाम, धियाम मतलब बुद्धि, न मई आवेशित, मेरे में जो आवेष्टित, मेरे में जो लगी भई समर्पित जो बुद्धि है, वाको कामह न कामाय, न काम है कामाय कल्पते, वो काम के लिए मैंने लौकिक काम के लिए वको उपयोग हो ही नहीं सके है, ये बात मां समझा रहे। फिर भी ब्रजराज जी को संतोष नहीं भयो है, यद्वासु और अर्थ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यद्वा लौकिक ही रपि दर्शादि गुण ही रपि, मने महाप्रभु जी कह रहे हैं ना कि लौकिक ही वैदिक ही किम, लौकिक सु क्या हो सके और वैदिक सु क्या हो सके, ये जो बात कह रहे हैं ना, तो लौकिक मतलब जैसे सीधी सी एक बात समझो कि अपनो जो चित्त चलायमान होवे ना वो लौकिक की कोई वस्तु तो चलायमान देख के, अपन कोई बहुत सुंदर चीज देखें तो अपना चित्त चलाए मान जाए, अरे ये चीज मुझे चाहिए, जैसे कोई भी चीज हो, स्त्री से लेकर पैसा तक सब आ गए हो, तो चित्त चलायमान होवे को जो कारण है, तो दृश्यादि गुण ही रखती, जो चीज तुमको दिख रही है और दिखती भाई चीज के कारण जो तुमको एक आकर्षण पैदा हो रहा है, वामे वामे जो तुम्हारा काम है वह काम की तुलना या काम सु मत करो, कहने यू मैंने सर्वात्मना काम भावेन वा वैदिकैः ब्रजेन्द्र दिङ्कुलाङ्करण मुखचंद्रादिभिः उक्त धर्मैः च्युत प्रवाल बरहत पपुत पलाब्ज माला अनुरक्त परिधान विचित्र वेशो, ये वेणु गीत का श्लोक है, ये वेणु गीत को आठवां श्लोक है, आप लोगों को सबन को ये बात पता है कि वेणु गीत को ये आठवां श्लोक है, मैंने ठाकुर जी के मुखारविंद को विशेषण यहाँ में बता रहे हैं ब्रजराज जी के, क्या ठाकुर जी को एक्चुअली ये जो ब्रजेंद्र दिंग दिंगुखालंकरण मुखचंद्रादि भी उक्त धर्म ही है ना, ये पंक्ति मुझको स्पष्ट नहीं है एक्चुअली, मुझको यह पंक्ति से संतोष नहीं है एक्चुअली, मुझको ये पंक्ति एकदम स्पष्ट एकदम जाको अपन कहें ना कि एकदम दिमाग में बैठ जाए, ऐसे तो नहीं बैठी है पंक्ति कोई, जब आपके नौकर तो नहीं है कि लगना है तो लगे ही, नहीं लगी तो नहीं लगी है, तो अब लगेगी तो कह देंगे लेकिन संतोष नहीं है, लेकिन कुछ कहने के जो भावार्थ है ब्रजराज जी को वो ऐसा लग रहे हो है,
ठाकुर जी ये ऐसो कहना चाह रहे हैं विजरा जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि चूत प्रवाल बरहद बपोत पलाप्त। मैंने ये वेणु गीत सु आप परिचित हो के नहीं, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो वेणु गीत सु आप लोग परिचित हो के नहीं, ये वेणु गीत में वेणु के स्वरूप को वर्णन है कि वेणु को प्रभाव कैसा हो रहा है। जब ठाकुर जी वेणु वादन कर रहे हैं वह बखत वेणु के वादन को प्रभाव कैसे प्रकट हो रहा है, वाक्य प्रभाव को वर्णन माने ठाकुर जी वेणुनाद वृंदावन में कर रहे हैं और ब्रज गोपिकान को वो सारो वेणुनाद घर पे सुनाई दे रहा है और बाकी इफेक्ट भी उनको घर पे सुनाई दे रही है। पहले बहुत फेमस है गुजराती धोलपद भी है, वंदरा ते वन हाँ हमारे काने संभड़ाई ऐसा कुछ है, उनको भी याद नहीं आते लेकिन ऐसे ही कुछ है। लेकिन वहां में ये गोपिका ये कह रही है कि चूतप प्रवाल, चूतप प्रवाल को अर्थ देखो एक ऐसो है नई माने अभी तो वैसे वसंत के दिन ही चल रहे हैं तो आम की जो नई कोपले हो ना, कोपल जानो क्या नहीं माने वो फूल उगने के पहले एकदम जैसे अंकुरण होके बाहर ही निकली हो वो फूल बनने के लिए तैयार है। अभी कोपले फूटी है वहां की, मतलब फूल जवान होने के पहले की जो सिचुएशन है, फूल के जवान होने के पहले बाकी कोपले फूटे। ये कह रही हैं ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, अपने श्रीअंग चूतक प्रवाल धारण करें और बरहस सबक, बरहस सबक मतलब सबक मतलब पंख, बरह मतलब मोर, मोर को पंख ठाकुर जी धारण करें और उत्पलाब्ज माला, उत्पलाब्ज मतलब नील कमल, नील कमल की माला अपने श्रीअंग पे धारण कर रहे हैं ठाकुर जी। मैंने नीलकमल की माला धारण कर रहे हैं, मोर को पंख धारण कर रहे हैं और चूतक प्रवाल धारण कर रहे हैं। वामेश्व आप देखो कि यामेश्व कौन सा श्रृंगार ऐसा है कि अपन जो ठाकुर जी को धरा हुआ है पुष्टि मार्ग में, अपन ने वापस पुष्टि मार्गीकरण किया, खाली बरहस बरहस को किया है, बरहस तबक को किया है। जैसे मोर को पंख अपन ठाकुर जी को धरा हुआ है, अपन ठाकुर जी को वो चूतक प्रवाल तो धरावा ही नहीं है लेकिन अपन वो जो नई कोपले वालों जो आम को कोपले हैं वाको अपन ठाकुर जी के श्रीअंग पे न धरा करके वाको ठाकुर जी के पृष्ठ भाग में धरा है। बसंत आप लोगों को ध्यान हो तो अभी तो बसंत के दिन चल रहे हैं तो शायद ये आपके सेवा प्रकार में भी आते हुए को ठाकुर जी के मतलब पृष्ठ भाग में सिंहासन के पीछे वो फूल मोर सही वाकू मोर कह मैं वाकू भी अपन मोर कह वो अपनी कोट वर्ड है कि वो पत्ता और फूल के साथ वाकू पीछे फोंसे और सबसे पहले वही को खिलाया जाए माने श्रीअंग को खिलाने के बाद खिलाने को भी अपने आप बहुत सुंदर प्रकार है और कोई किया हो कि नहीं हो हमारे बड़े मंदिर में ठाकुर जी को खिलाने को बहुत ही सुंदर प्रकार है। ठाकुर जी सबसे पहले वक्षस्थल पर खेले फिर बाहु खेले फिर वस्त्र खेले और वाके बाद माला को थाक खेले माला के मड़काएं खेले फिर वस्त्र पे खेल हो गए फिर मोर पे खेल हो गए और वाके बाद आसपास सब जगह मन खेल हो गए। तो ये जब श्रृंगार ठाकुर जी जब धारण कर ले हैं और मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वैशो ऐसो जो विचित्र वेश जब ठाकुर जी धारण कर रहे हैं और मध्य विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरो क्वच गाय मानव। तो ये गोपिकाएं कह रही हैं कि ठाकुर जी जो है ना ठाकुर जी
अपने श्रीअंग पे पीतांबर धारण करें और बलराम जी अपने श्रीअंग पे नीलांबर धारण करें और मंद मंद स्वर में गाते रहें। मैंने वो ग्वाल बालन की पशुपाल गोष्ठ्याम ऐसे बैठ जावे और मधुर संगीत की तान छेड़ दे हुए हैं और ऐसो लगे के दो चतुर नट जो हैं वो अभिनय कर रहे हैं, ऐसे ब्रज गोपी का वर्णन कर रही है। ऐसे गोकुल अपने यहां मुझको एक बड़ी मजेदार बात याद आई, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अपने यहां ठाकुर जी के प्रमेय रूप के वर्णन को कौन सा श्लोक है आपको पता है? बहुत फेमस है, सबको मालूम होगी, बताओ जल्दी झट सु। बहुत फेमस श्लोक है अपने यहां ठाकुर जी के प्रमेय स्वरूप को यदि ध्यान करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जो होस्ट ने म्यूट बटन बंद रखो तो हो नहीं रहा था। अच्छा 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 ओके ओके ओके, मैं म्यूट ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं समझ गया मैं, ओके। तो ऐसे ही ये जो श्लोक है ना, चूत प्रवाल बरहक बकुत पलाब्ज मालान प्रक्त परिधान विचित्र वेशो, ये भी ठाकुर जी के प्रमेय स्वरूप के वर्णन को श्लोक है। और ये कह रहे हैं कि इत्यादि भी ही यदि श्री गोकुलाधीशो धतः, ऐसे स्वरूप को हृदय में धारण करूं, जैसे वहां पे बरहा पीड़म नटवर वपुः स्वरूप के हृदय में धारण करवे को उल्लेख वहां पे मंगलाचरणकार कर रहे हैं, जाने भी ये मंगलाचरण के श्लोक कंपाइल किए हैं। ये मंगलाचरण के श्लोक कौन ने कंपाइल किए हैं आज तक पता नहीं है अपन, ये जो चिंता संतान हंतार उसको लेकर के जो पांच श्लोक मंगलाचरण के अपन बोले हैं, ये कोई एक ग्रंथ के श्लोक नहीं है, अलग अलग जगह से इकट्ठो करके उनको कंपाइल करके वको मंगलाचरण में अपन ने वको गुच्छा बनाया है। जैसे अज्ञान तिमिरान दस्य फेमस गुरु को श्लोक है, नमामि हृदय शशि सुबोधि जी को मंगलाचरण है, चिंता संतान हंतारो नवरत्न की शुरुआत में है, गुसाई जी को श्लोक है, और एवं माने वो जो दूसरा श्लोक है तमाम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ ना, वो गोपीनाथ जी को श्लोक है। तो जगह जगह के श्लोकन को कंपाइल करके मंगलाचरण को अपन ने गुच्छा बनाया है और वहां पे अपन ये बात स्पेसिफिकली कहना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रमेय स्वरूप अपने आप को जो प्रमेय रूप भगवत स्वरूप है, यदि वह भगवत स्वरूप को व्याख्यायित करना है कि अपने आप को प्रमेय स्वरूप भगवान कैसो है, तो स्वरूप क्या है, वहां में अपन ये बता रहे हैं कि भाई बरहा पीड़म नटवर बहु कर्ण, वो नटवर है, वो नटवत भी लीला करे है और वरवत भी लीला करे है और वो मस्ती वालो है, ब्रज में वन में खेलवे जब पधारे है तो बाकी इच्छा हो गई तो कर्णिकार के फूल तोड़ के अपने बालन में खोस ले है, ऐसा मस्ती वालो स्वरूप अपने प्रभु को है। तो ऐसे ही मस्ती वालो स्वरूप ये चूत प्रवाल भगत पलाजमाला प्रक्त परिधान विचित्र वेशों वालों, ये जो श्लोक है वहां में भी ठाकुर जी के वाही प्रमेय स्वरूप को वर्णन है। वो श्लोक भी कोइंसिडेंटली वेणुगीत को ही है और ये श्लोक भी वेणुगीत को ही है चूत प्रवाल वालों। तो अपन ये देख सके हैं कि ऐसो स्वरूप यदि तुमने हृदय में धारण कियो तो वो जो वैदिक वचन है वासु क्या यूं कहना चाह रहे। अब मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं। नहीं नहीं रहस्य की बात नहीं बताऊं, चलो ये आपको आज प्रश्न पूछ लो, आप नेक्स्ट क्लास में आप लोग जवाब दे दो, अच्छी बात याद है, बेकार बता देता हूं मैं गड़बड़ हो जाती सब। अब आप लोगों को आपको बताना है, प्रश्न ऐसा है
यस अब याद आ गई। अब देखो प्रश्न ऐसा है कि लौकी महाप्रभु जी टका को प्रश्न सामने पूछ रहे हैं, लेकिन या श्लोक के उदाहरण दे करके चूत प्रवाल ये जो गजराज जी पूछ रहे हैं यदि श्री गोकुला अधीश तो धर्म कैसे आए हो। ये समझ में कोई ट्राई करेगा, मेरा प्रश्न समझ में आया सबन को, प्रश्न समझ में आया हो तो थंब हाथ ये ऐसे ऐसे दे दो। प्रश्न आया हो ना ख्याल में जी, एक बार रिपीट करेंगे। श्योर तुम मैसेंजर तो गायब ही हो गए हो। हाँ प्रश्न ऐसा है कि यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किम परम ब्रूहि लौकिकैः वैदिकैरपि। माने यदि तुमने गोकुलाधीश को सर्वात्मना हृदय में धारण कर लिया है तो लौकिक क्या और वैदिक क्या, ऐसे टका को प्रश्न महाप्रभु जी पूछ रहे हैं। मैं ये पूछ रहे हूं, महाप्रभु जी ने तो कह दी बात। अब ये जो ब्रजराज जी जिनकी बारात में अपन जा रहे हैं, अब उनने ये चर्चा छेड़ दी कि वैदिक ब्रजेंद्र दिंगुखालंकरण मुख चंद्रादि भी उक्त धर्म ही वालों जो बात कह करके विशेषण कह के ठाकुर जी को विशेषण है, इतनी बात तो पता चल रही है। और वो विशेषण बता के उनके द्वारा जो कहे भय धर्म है, मने लौकिक धर्मन के पालन से क्या फायदा और वैदिक धर्मन के पालन से क्या फायदा, ऐसो जो ये चूत प्रवाल वालो श्लोक को उद्धरण देके कह रहे हैं, तो वासु वैदिक धर्म के तरफ कुछ दिशा निर्देश करना चाह रहे हैं ब्रजराज जी, ऐसो लग रहे हो कि या धर्म सु क्या, तो हमें वैदिक धर्म क्या आए हो ये पता नहीं चली। जैसे लौकिक धर्म की बात पता चली दृश्यादि गुण ही रपी, लौकिक धर्म तो मैंने आपको बताया भी समझा के बताया कि भाई लौकिक में जब अपन को काम भाव पैदा हो कोई को देख करके, कोई भी सुंदर स्त्री को देख करके या कोई भी सुंदर वस्तु को देख करके वह को प्राप्त करने को संकल्प मन में तुम्हारे उत्पन्न हो गए है, तो वो एक काम भाव मन में उत्पन्न हो, तो वो काम भाव भी क्या भाव के आगे फीको है, यूं कहना चाह रहे हैं ना। तो ये श्लोक का उद्धरण खास करके दिखा करके चूत प्रवाल वाले वो श्लोक को उद्धरण देके जो आपको वैदिक धर्म की तरफ दिशा संकेत करना चाह रहे हैं ब्रजराज जी, वो बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। वो क्या कहना चाह रहे हैं, अब आयो कि नहीं प्रश्न समझ में। हाँ जी जी। अरे वाह चलो हाँ तो बोलो ये, पर तेरे दर्शन क्यों बंद हो गए, इंटरनेट कनेक्शन वापस गड़बड़ हो गई, मैं यहाँ से वहां दौड़ रहा हूँ घर में जहां मिले कनेक्शन। हे प्रभु मिल्ला मोहम्मद रसूल भगवान, कोई बताएगा या को आंसर, नहीं तो अगली बार में बताइए। चलो कोई बात नहीं है, आज के लिए प्रश्न ड्रॉप है, नेक्स्ट क्लास में बताइए को आंसर, तो वाको आंसर दे रहे हैं न किमपि इति भाव है, ये वास्तु कुछ भी नहीं हमारे को ये भाव है।
एवं सर्व प्रकार इरपि यातरसु सर्व प्रकारसु काम भावेन प्रभुरेव सेव्य। वो काम भाव सु प्रभु ही सेव्य हैं इति ये। तो प्रभु कृपा सु अपन ने तीसरो श्लोक भी आज पूरो कियो। महाप्रभु जी की कृपा है, ब्रजराज जी जैसे महानुभाव की टीका को तीसरो श्लोक पूरा होना कम सौभाग्य की बात नहीं है। महाप्रभु जी कृपा सु अपन ने तीन श्लोक देखे और वाक्य बात देखो, काम स्वरूप मुक्तवा मोक्ष स्वरूप आहू तत सर्वात्मना इति तथा सर्वात्मना इत्यादि शब्द चौथे श्लोक की बात समझाना चाह रहे हैं। तथा सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणं वचनं चापि न त्यज्यमिति मेमति। ये तो आपको मिल ही जाएगा अनुवाद, आपको तो आपके आपको तो अनुवाद अवेलेबल है। तथा काम भावात्मक भक्त्यनंतरम, काम भावात्मक जो भक्ति है, अब देखो आपको काम भावात्मक भक्ति कह रहे हैं। वैसे हरिराय जी को पकड़ोगे ना तो हरिराय जी काम भाव की निंदा ही करते रहे हमेशा कि प्रभु में काम भाव नहीं रखना चाहिए, सर्वात्म भाव। अरे महाराज, यहाँ ब्रजराज जी काम भाव को सपोर्ट कर रहे हैं और आप काम भाव की निंदा कर रहे हो। अब काम भाव के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वाणी ब्रह्म स्वरूप है। जैसे ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ हुए हैं, ब्रह्म बहुत सारे रूपन में विलसित हुआ है, वैसे शब्द ब्रह्म भी अनेक अर्थन में विलसित हुआ है। और वह शब्द ब्रह्म को शब्द ब्रह्म के विलसन करने की जो सामर्थ्य है वो तो शिवागपति में ही है। यानी काम भाव को ये अर्थ भी हो सके, ख्याल में आया ना आपको? यानी अपने यहाँ हर चीज को अलग अर्थ हो सके। आप देखो महाप्रभु जी कहे हैं अग्निरपि अग्नि अग्नि ही अनुष्ण इत्यपि प्रमाण, आग ठंडी है ये भी प्रमाण। अब आग ठंडी कैसे हो सके, हो ठंडी कोई बहुत बर्फीले प्रदेश में जाओ वहां पे आग की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो आग भी आपकी ठंडी को दूर करने में अक्षम है, तो वहां पे वो प्रमाद प्रमाण हो गई कि नहीं। यहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर है, वहां अग्नि तो अपने को वहां अग्नि से तो काम ही नहीं बुझे, ख्याल में आया ना? ऐसी बात है। एक बात बताओ, तो यहाँ जो काम भावात्मक जो भक्ति है या को सर्वात्म भाव पर करते लेना चाहिए, काम भाव मतलब सर्वात्म भाव। कहेंगे गोकुलेश्वर एवं यदि श्री गोकुला धृतः सर्वात्मना, तो जो सर्वात्मना हृदय में धारण करने की बात है, वो काम भाव को वह तरह का फोर्स तुम्हारे अंदर यदि पैदा हो रहे हो। वाक्य बाद पुनः सर्वात्मना मतलब सर्वात्म भावेन शश्वत निरंतरम गोकुलेश्वर पादयोः स्मरणम तथैव भजनम। देखो दोनों बात आ रही है यहाँ में, प्रभु को स्मरण और प्रभु को भजन। यानी अपने यहाँ विविध पक्ष हैं, अवसर में सेवा और अनवसर में कर्ता। तो अवसर में भजन और अनवसर में स्मरण, यानी तो वह स्मरण को कथा संबंध यूं गुणगान कर संबंध। तो गोकुलेश्वर पादयोः स्मरणम तथैव भजनम अपि न त्याज्यम, वाकु अपन को त्याग नहीं करना चाहिए। इति में ऐसी में मेरी मदीयम मेरी मती, महाप्रभु जी कह रहे हैं। महाप्रभु जी अपनी बात महाप्रभु जी के वाक्य की जो शैली है वो यात्रा की शैली आप श्री यूज कर रहे हैं कि कभी भी महाप्रभु जी के वचन कोई के लिए बाधा रूप नहीं बने। महाप्रभु जी कभी भी यूं नहीं कहा कि ये करो, स्मरण और भजन को त्याग कभी मत करो, ऐसे नहीं कहा। महाप्रभु जी स्मरण और भजन को त्याग नहीं करना चाहिए,
महाप्रभु जी हमेशा आवश्यकता को समझावे हैं, आज्ञा नहीं करे हैं। ये महाप्रभु जी के वाणी की खूबी है, क्योंकि अगर अनुसरोगे तो वाणी को ही अनुसरण करोगे, और नहीं अनुसरण कर रहे हो तो वाणी के, हाँ वाणी को जो तुमने अतिक्रमण किया वहां पर दोष तुमको नहीं लगे, क्योंकि महाप्रभु जी ने आज्ञा थोड़ी दी थी, करे तो आज्ञा को ही पालन है। यही को क्या चतुर शिरोमणि अत्र है महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझे नहीं, तो क्या हम भी तुमको समझा बैठे। काम भाव है ना, संबंध अनंतरम तत्संबंध स्वभाव मर्यादा जनित तुल्यत्व प्रमदात्व मदेन अन्यथा भावे सती मानादिना दोष भावेन तद भावाच्युतिस्यात्। ये देखो काम भावे, अब सर्वात्म भाव से उठे सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादे जब कह रहे हैं, ध्यान से समझिए पंक्तियां बड़ी बड़ी मतलब गंभीर आशय को कह रही हैं ये पंक्तियां। काम भावे न, काम भाव के कारण अपनों भगवत संबंध हुआ है, और वह भगवत संबंध के बाद तत्संबंध स्वभाव मर्यादा जनित, वह संबंध के स्वभाव की मर्यादा सु पैदा हो तो भयो, वह संबंध के स्वभाव की मर्यादा सु पैदा हो तो भयो मर्यादा जनित तुल्यत्व प्रमदात्व। प्रमदा मतलब समान कैटेगरी, भाई मैं भी वही हूं, भाई संबंध कहाँ हुए, बराबरी वाले में संबंध हुए ना, ख्याल में आओ ना, बराबरी वाले माने वो दोनों समान हुए तभी तो संबंध हुए, और जब संबंध संबंध हो जाए तो दोनों सम हो जाए, एक हो जाए, और जब एक हो जाए तो वाको भी लेवल और याको भी लेवल एक हो गयो, अब जब एक हो गयो तो प्रमदा भाव आ जाए, क्या मैं कुछ हूं नहीं हूं। ठाकुर जी ने मेरा संबंध मान लिया, अब मैं ठाकुर जी का संबंधी हो गयो, मैं कुछ हूं, सौभाग्य मन तो कुछ नहीं है भाई, खाली प्रमदात्व मदेन अन्यथा भावे सती, जब तुमको अन्यथा भाव होवे पे, अन्यथा भावे सती मतलब अपन वाक्य कारण संबंध की अवहेलना कर दें, माने कभी कभी अपने सु यात्रे को रिएक्शन हो जाए प्रभु के प्रति, या तेरे को मतलब शब्दावली को प्रयोग कर दें या मुंह से अपन ऐसा कुछ बोल दें जाके कारण वह संबंध की जो भी मर्यादा है वो भंग हो जाए। जैसे अपन अपने यहाँ यही प्रसंग आवे, ये तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो अपन अष्टछाप के संबंध में ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि जैसे ठाकुर जी श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी के संग खेलते और ठाकुर जी कांकरी मारते गोविंद स्वामी को, और गोविंद स्वामी भी सामने कांकरी मारते, तो वो बात अपने आप कितनी मार्मिक बताइए कि भाई कौन यह खेल रहे की बानी, गोविंद स्वामी गुस्सा आ गया कि ये कांकरी मारे तब आप कुछ नहीं बोलो, और मैं कांकरी मार दूं तो मेरे पर सारी आपत्ति है, गरीब की जोरू सबकी भाभी है, मैं बोल दूं तो तुमको आपत्ति है, अब ये जो कांकरी मार रहे हैं वो कुछ नहीं। महाप्रभु जी के हाँ भाई ऐसा ही है ऐसा ही है, वो कर सके, वो कांकरी मार सके, तेरे कांकरी नहीं मारती, भाई संबंध बांधे हुए फिर भी अपने मन में वहां तेरे की फीलिंग अपने को आनी चाहिए कि प्रभु मेरा स्वामी है और मैं प्रभु को वाटन, भले प्रभु सारी मर्यादा को उल्लंघन करे, जैसे गज्जन धावन की वार्ता में आवे, गज्जन धावन के संग ठाकुर दौनित्रिया जी को कितनो आत्मभाव होतो, तो लेकिन गज्जन धावन ने कभी भी नवनीत प्रिया जी की अवहेलना नहीं करी,
उनने कही कि तू घोड़ा बन, घोड़ा बनते बेचारे, उनके घोटू घिस गए, आवे ना वार्ता में उनके घोटू घिस गए, लेकिन नानी पड़ी नंद प्रिया जी को, नहीं नहीं मैं नानी पड़ू हमारे, अब बोलो आज्ञा करो, क्या तेरे को सर्वात्म भाव। देखो ये सर्वात्म भाव की वैरायटी है, याद हद तक को सर्वात्म भाव के गजन धावन नवनीत प्रिया जी के लिए न्योछावर है, और या तरह के न्योछावर है कि इतनो उनको दुख है फिर भी इतनो आत्मीयता है, लेकिन जैसे ठाकुर जी राजी है ना वैसे ही वो करने तैयार है। गजन धावन की वार्ता की यदि कोई ब्यूटी मुख लगे है ना वैष्णव, वो ये लगे है कि कितनो आत्मभाव हो तो गजन धावन नवनीत प्रिया जी के लिए, लेकिन एक आज्ञा नवनीत प्रिया जी ने कही कि मुझको आचार्य जी के यहाँ छोड़ दो, सरेंडर, हाँ छोड़ दूंगा, चाहते तो नहीं छोड़ते, भाई मेरे घर छोड़ के वहां क्यों जा रहे हो, और ऐसो भयो भी है उनकी वार्ता में, मैंने पद्मनाभ दास जी की वार्ता में अपन ये बात देख सके, लेकिन गजन धावन के केस में गजन धावन उल्टो रिएक्ट कर रहे कि नहीं नहीं आप जैसे बोलो, राजी हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, अपनी तो यो भी वाहवा है और यो भी वाहवा है, हम तो तू जो कह वहां में राजी है, तू जो कह तू करना ऑल राइट कर देंगे, तू कह नहीं करना तो नहीं कर, पता। तो यूं कह रहे हैं कि मदेन अन्यथा भाव है सती, जा बखत मद के कारण अन्यथा भाव हो वे पे माना दीना, मान वगैरह के कारण, मान मतलब रूठनो वगैरह, भाई ठाकुर जी ने मेरे ये काम क्यों नहीं कियो, तदा भावाच्युति दोष भावे, तो दोष भाव के कारण अपने में दोष भावाच्युति तो वो भाव च्युत हो सके है, यानी बी सेफर दास भाव की तुमको स्विच ओवर होनो हर भाव पे, अभी जैसे खेल के दिन चल रहे हैं अपन सख्य भाव पे स्विच ओवर हो रहे हैं ठाकुर जी के साथ, लेकिन सेफ के लिए क्या ठाकुर जी के चरणारविंद पे अपन कपड़ा बिछा के फिर ठाकुर जी को खिलाएंगे, ताकि अपने को चरण नहीं दिखे, चरण नहीं दिखे तो अपने सेफ साइड है कि हाँ भाई खेल सके, लेकिन वो कितना जाब जितनी देर तक खेल चल रहे हैं उन्हें बस उतनी देर, जितनी देर अपन सेवा में उतनी देर अपन ब्रजभक्तन के आड़ी से अपन ठाकुर जी को अपन गाली भी दे सके, हाँ ठीक है नंद नंदन को नंद, ये कौन सा पद है अपने यहाँ बड़ो सुंदर पद है, नंद नंद ललन को कुंवर कहने होरी खेल न जाने, ये सुना है आप लोगों ने ये पद, नंद भवन को नंद महर को कुंवर कहने, नंद महर को कुंवर कन्हैया होरी खेल न जाने हो, अब यहां में इतने ब्यूटीफुल अर्थ हैं, देखो होरी खेल न जाने हो यूं भी अर्थ लिया जा सके, ओ होरी खेल न जाने हो, न को अलग कर दो, नंद महर को अपन को आधे उराना देना है, ठाकुर जी को सुनाना तो कहते कि नंद महर को कुंवर कन्हैया होरी खेल न जाने हो यूं, और जब अपने को भक्ति करनी है तो नंद महर को कुंवर कन्हैया होरी खेल न जाने हो, ऐसे भी अर्थ कर सके, शब्दन के कमाल है, शब्दन सु भाव की महिमा प्रकट हो, ये एक कमाल की बात है अपने यहाँ, तो या लिए ततः सर्वात्म भावेन भजनमेव कार्य, यानी सर्वात्म भाव सु भजन ही करना चाहिए, ये भाव है, आया ख्याल में आप लोगों के, तो मेरे हिसाब से अपन यहाँ रखें आज को सत्र, यहाँ रखें बाकी को अपन एक क्लास में ले लेंगे, तो अभी होली के दिन चल रहे हैं, आप बोलो तो कैसे ले लें मैं अपन आश्रय के पत्नी,
जी हाँ अरे माखन की चोरी छोड़कर नहीं आऊं मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़कर नहीं आऊं समझाऊं तो मैं समझाऊं तोए कन्हैया मैं समझाऊं तोए अरे माखन की चोरी छोड़ कर नहीं आ समझाऊं तोए बरसाने तेरी भई है सगाई नित नई चर्चा हो बड़े घर की राज दुलारी नाम धरेगी मोए अरे माखन की चोरी छोड़ कर नहीं आ समझाऊं तो मोते कहे मैं जाऊं गई रहो खिरक में सो मुते कहो मैं जाऊं गई रहो खिरक में सो काहू ग्वालिन की नजर लगेगी या दई कमरिया खोए अरे माखन की चोरी छोड़ कर नहीं आ मैं समझाऊं तो माखन मिश्री ले खाई कू कयो हटी लो तो या तो बंसी नई मंगाए दऊं करी है काना मोए अरे माखन की चोरी छोड़ कर नहीं आ मैं समझाऊं तो नौलख धेनु नंद बाबा के नित नया माखन हो नौलख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन हो फिर भी चोरी करे शाम तू लाज शरम दई खोए अरे माखन की चोरी छोड़ कर नहीं आ मैं समझाऊं तो ये रसिया अभी नया ही बनाया है। ए, पिछले साल बनाया था ये मैंने नया रसिया तो आपको इनको अभी सुनाया तो यहाँ रखें सबन को बोलो होली के रसिया की जय अगले कई बार को पनपुर में यहाँ रखें।